प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक विद्यार्थी का सपना होता है कि वे भी बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त करें, मगर इनमें से कितने ही विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि अपने सपने को साकार कर पाते हैं, किंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो कि सोचते तो हैं कि हम मेरिट में स्थान प्राप्त कर लेंगे, मगर उनसे ऐसा हो नहीं पाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रणनीतियाँ हैं जिनको फॉलो करके आप लोग मेरिट में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो कक्षा 10वीं और 12वीं के जितने भी विद्यार्थी होते हैं, जब भी वे बोर्ड परीक्षाओं के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि पास तो सभी हो जाते हैं, मगर हम मेरिट में स्थान प्राप्त करके दुनिया को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आप लोग भी बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि हम बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त करें, तो देखिएगा, इसके लिए आपको कठोर अनुशासन रखना आवश्यक है और इसी के साथ साथ में आपको अपनी पढ़ाई पर भी काफ़ी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे राज्य में या पूरे बोर्ड में से आपको मेरिट में स्थान प्राप्त तभी होगा जब आप सबसे अच्छा अपने आप को साबित करके बताएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए लगन और मेहनत बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग लगन लगा के मेहनत करेंगे और मेहनत करते हुए आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आप लोग आसानी से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे टॉपिक जिनको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग अच्छे से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आप कभी भी इस बारे में ऐसा ना सोचें कि कोई हमें शॉर्टकट मिल जाए और उस तरह से हम मेरिट में स्थान प्राप्त कर लें। इसके लिए आपको कठोर अनुशासन और पढ़ाई करने की आवश्यकता होगी, तभी जाके आप लोग मेरिट में स्थान प्राप्त कर पाओगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनको आप लोग फॉलो करके या अपनी इन प्रॉब्लम्स को दूर करके आप लोग बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई को लेकर आपको हमेशा एक रणनीति बनाकर चलना होगा, यानी कि आपको अपनी रणनीति को कुछ इस प्रकार से ढालना होगा कि आपके जितने भी यार दोस्त हैं उनके साथ में आपका कम से कम टाइम गुजरे और आपका अधिकतर टाइम जो है आपकी पढ़ाई के लिए गुजरे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अधिकतर ये होता है कि हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमारे यार दोस्त खेलने कूदने के लिए या फिर और गप्पे लड़ाने के लिए आपसे टाइम की डिमांड करते हैं और हम भी उनको मना नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप लोग थोड़े से सख्त जरूर बन जाए, क्योंकि अगर आप अभी अपने यारों दोस्तों को टाइम ज़्यादा दोगे तो फिर आप ये समझिएगा कि आपकी पढ़ाई काफ़ी हद तक पीछे पिछड़ जाएगी। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को ही टाइम दें। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको फॉलो करके आप लोग मेरिट में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। नंबर एक, टाइम टेबल। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम भी मेरिट में स्थान प्राप्त करें तो इसके लिए आपको अपनी पढ़ाई को लेकर टाइम टेबल जरूर बना लेना चाहिए। आप लोग अपनी आदत के हिसाब से अपने टाइम टेबल को बनाएं, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि देर रात तक पढ़ना पसंद करते हैं, मगर कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो जैसे आपकी हैबिट हो उस हिसाब से आप लोग अपने टाइम टेबल को बना लें, और टाइम टेबल में भी आप लोग इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका जो कठिन विषय है उसके लिए आप लोग ज़्यादा समय निकालें और जो आपको सरल लगते हैं उनके लिए आप लोग थोड़ा बहुत कम समय रख सकते हो। अब टाइम टेबल के बाद में नंबर दो पर बात आती है आपकी राइटिंग की। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपकी लिखावट जितनी सुंदर होगी उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि लिखावट अगर सुंदर होगी तो इससे आपके प्रश्न के उत्तर को पढ़ने में टीचर को सुविधा होगी और उसको भी ऐसा लगेगा कि काफ़ी बच्चा समझदार है, इसलिए उसने इस प्रश्न के उत्तर को बहुत ही ध्यानपूर्वक सावधानी से बिल्कुल साफ और स्वच्छ तरीके से लिखा है। इस प्रकार से आपके मेरिट में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी लिखावट शुद्ध होगी तो आपको इसके पूरे पूरे नंबर दिए जाएंगे, कोई भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। अब इसी के बाद में बात करते हैं कि आपको साल भर किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखिएगा, नंबर तीन पर हम इस चीज़ को रखते हैं कि अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है तो आपसे उस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनके उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छे से दे देंगे। तो इसलिए आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी क्लासरूम में पढ़ रहे हो तो टीचर जिस टॉपिक को भी समझा रहा है उसको आप लोग अच्छे से समझें, और इसी के साथ साथ में उस टॉपिक का रिवीजन एक बार आप लोग घर पर आकर भी कर लें। इससे ये होगा कि वो टॉपिक तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा और इसी के साथ साथ में उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे वो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए विशेषकर आप लोग इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो भी टॉपिक आपको टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से जरूर समझ लें, और कुछ टॉपिक ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपको एक बार में समझ में नहीं आए हो। तो ऐसे में आप लोग टीचर से अनुरोध कर सकते हो कि आप लोग इन टॉपिकों को अच्छे से और समझा दें ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, खासकर हिंदी अंग्रेजी के लिए आप लोग ये जरूर करें कि आपके जो भी पार्ट है, लेसन है, चैप्टर है,
उनको आप लोग अच्छे से पढ़ ले, समझ ले और उनकी कहानियों को समझ ले। इससे भी आपको उन पाठों के प्रश्नोत्तर बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाते हैं। इसके बाद में आपके जो विषय हैं बाकी के, उनके लिए भी आप लोग टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझे तो इससे आपको उनके संबंधित प्रश्नोत्तर भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब इसी के बीच में एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपके लिए ऐड करना चाहूँगा कि आपको साल भर निरंतर कठोर पढ़ाई करने की आवश्यकता तो है ही सही, और इसी के साथ में आप लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ अपने काम के लिए करें, आलतू फालतू की चीज़ों को देखने के लिए इसका फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें समय इस तरह से बीतता जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। जब भी हम फ़ोन चलाने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि एक दो मिनट चला के, पाँच मिनट चला के रख देंगे, मगर कब उसमें एक घंटा निकल जाता है, दो घंटा निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो खासकर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पढ़ाई के समय मोबाइल को उपयोग उतना ही करें जितना कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग मोबाइल का उपयोग लिमिटेड उस पीरियड के लिए करते हो तो इससे काफ़ी संभावना है कि आपका टाइम बच जाएगा और आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आपकी परीक्षाओं के लिए काम में आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग रणनीति बना के आप लोग आसानी से मेरिट में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग आलतू फालतू के दोस्तों के चक्कर में ना पड़ते हुए अपने टाइम को ना बर्बाद करें। अगर आप लोग अपनी मेहनत के पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। अब इसी के साथ साथ में मैं आप सभी को आपके मेरिट में आने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।